गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब भी बिल्कुल मजे में होंगे। मैं बिल्कुल मजे में हूँ। तो भाई मैं हूँ अभी अपनी थार रॉक्स में, और भाई जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपनी थार को जेड ब्लैक कराना चाहता हूँ, तो भाई आज जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को जेड ब्लैक कराने के लिए, क्योंकि एक बार ना देखनी है। कुछ टाइम ही रखूंगा इस पर मैं फिल्म, क्योंकि इसको भाई पापा ज़्यादा चला रहे हैं, और बाकी जैसे भाई लोग अब भाई का ही भाई मेरे को बोलेंगे कि जेड ब्लैक इलीगल है, तो भाई मेरे को ही पता है इलीगल है। इलीगल नहीं है भाई, आरटीओ के हिसाब से आप 50% साइड ग्लास पर 30% की विजिबिलिटी के 30% डार्क फिल्म आप फ्रंट एंड रियर ग्लास पे भी कर सकते हो। बाकी चलान होगा तो भाई भुगतेंगे, अपने रिस्क पे करा रहे हैं। अब गलत काम करेंगे तो फाइन तो देना ही होगा, तो कराते हैं जेड ब्लैक। और आज मेरे साथ एक स्कॉर्पियो एन भी है, उसको भी जेड ब्लैक कराएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पीपीएफ हुई है, ये देखो तो ये रही दिख रही है। इस गाड़ी को भी हम फुल जेड ब्लैक कराएंगे, देखते हैं भाई दोनों गाड़ियां कैसी लगेंगी। और वो भी पूरी जेड होएगी फ्रंट शीशे के साथ, और अपनी भी फ्रंट ग्लास के साथ पूरी की पूरी गाड़ी जेड हो जाएगी। एक बार कराते हैं और दिखाते हैं। यार कुछ भी बोलो, स्कॉर्पियन लगती सही में बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी। और भाई ये देखो अपनी ना पीपीएफ हो रखी है, देखो अलग चमक रही है ना। देखो भाई ये होता है भाई पीपीएफ कराने का फायदा, गाड़ी की लुक और गाड़ियों से थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो भाई ये देखो पूरी गाड़ी जेड करा दी है, और अभी पीछे का बाकी और अगला बाकी, और इधर सेम एन बी ये भी पीछे से रह रखी है लेकिन फ्रंट पे लगनी स्टार्ट होगी। एक बार दिखाते हैं, ये देखो यार भाई गजब लग रही है। भाई ये देखो फुल जेड ब्लैक गाड़ियाँ, ये देखो क्या लग रही है भाई, मजा आ गया यार। तो भाई डिटेलिंग स्टूडियो पे आ गया हूँ, और अपने पास आ रखी थी हुंडई की एक्स्टर, और भाई ये देखो वाइट कलर की गाड़ी के ऊपर हमने करी है पीपीएफ, और भाई क्या जबरदस्त लुक निकल के आ रही है गाड़ी की। जो लोग कहते हैं ना वाइट गाड़ी पे कामयाब नहीं, और साथ ही साथ भाई एक ये सफारी भी आ रखी थी, सफारी नहीं यार ये हैरियर, तो इसके ऊपर भी भाई हमने पीपीएफ करी है 7 ईयर्स की। तो अगर किसी भी भाई को अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करानी है तो भाई कॉन्टेक्ट करना अपने बॉक्सर रिटेलिंग स्टूडियो विक्रम मलिक बॉक्सर भाई को, ठीक है। और भाई अब दिखाता हूँ थार कैसी लग रही है। प्रवीण लाइट ऑन करियो भाई, भाई गजब लग रही है गजब। ओए होए कैसी लग रही है, बढ़िया। अब गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, एक बार गाड़ी धो दे एक बार। बस 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 ओए होए भाई अब बढ़िया लग रही है, पहले बढ़िया लग रही थी है? क्या अलॉय व्हील है तो बड़े वाले लगा लो। अच्छा वे वाले भाई, वे लगने के बाद तो और खतरनाक हो जाएगी है ना। चल राजा को बुला के ला, डालते हैं अलॉय, डालते हैं भाई, भाई ने कह दी अलॉय डालते हैं। और वो काली स्कॉर्पियो कहाँ गई, गई वो आ रहा है 5-10 मिनट मारा होगा। भाई कमेंट करके बताना कि थार फुल जेड ब्लैक फ्रंट ग्लास के साथ कैसी लग रही है। तो ये देखो भाई आ गई हैं दोनों गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो एंड थार, और भाई भाई ने लगवा दिया आगे जाट। भाई इसी चीज़ की कमी थी, अपनी पे भी जल्दी लगेगा और सेम ऐसे ही लगेगा जहाँ पे भाई ने लगवा रखा है। भाई एक नंबर की लग रही है। और अभी अपने पास एक अपनी ग्लांजा आएगी, उस पर भी भाई एक काम और है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। बाकी अभी आप लोग ये बताओ यार कैसी लग रही है। तो भाई नया दिन स्टार्ट हो चुका है, और मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपनी थार रॉक्स पे फिल्म चढ़वा दी है, फुल जेड ब्लैक करवा दी है, साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो एन बी थी ब्लैक कलर की, दोनों गाड़ियां जेड ब्लैक हो गई थी। तो भाई कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। भाई मेरे को अब इस गाड़ी में कमी लग रही है तो टायरों की, क्योंकि 22 इंच के जो अलॉय व्हील्स जो इधर रखे हुए हैं ना, ये शायद इस गाड़ी के अंदर अगर होते तो जेड ब्लैक और भी सुंदर लगती। लेकिन एनीवे भाई गाड़ी अभी भी बहुत सुंदर लग रही है। 22 इंच डालने का मेरा मूड इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इस गाड़ी को पापा ही ड्राइव करेंगे, और अभी शायद 2-4 दिन के अंदर जब पापा आएंगे, पापा कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं। पहले पापा का मन यही था कि थार को लेके जाएंगे, लेकिन अब वो थार नहीं, किसी जिनके साथ मतलब ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ ही चले गए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उन्हीं की गाड़ी में। तो भाई जिस दिन पापा आएंगे ना, तो मेरे को पहले सबसे पहले तो डांट पड़ने वाली है कि अगला शीशा क्यों करवा दिया। तो मैं फ्रंट ग्लास उतार दूंगा, बाकी जेड ब्लैक तो भाई मेरी रहेगी। तो साथ ही साथ मैंने कल बताया था कि भाई मैं अपनी ग्लांजा पे भी काम करा रहा हूँ, और मैंने ना काफ़ी वीडियोस पहले ये मेंशन किया था कि मैं अपनी ग्लांजा को सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ गाड़ी को,
लेकिन भाई मेरा मन बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि भाई ये गाड़ी इतने मन से ली थी ना कि बस क्या ही बताऊँ, हमारा कोई मन नहीं था गाड़ी लेने का। वैसे मैं और पापा बैठे हुए थे, YouTube पे वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो एकदम ये हुआ कि यार एक छोटी गाड़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि गलियों में ना आप लोग भी समझते होंगे कि आप डेली रूटीन में, जैसे उस टाइम पे मेरे पास स्कॉर्पियो और थार थ्री डोर अभी भी है, घर खड़ी है, उसको भी दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, वो भी आएगी। तो एक थोड़ा सा ना वो होता है गलियों में, जहाँ भाई थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया होता है ना, कि बड़ी गाड़ी चली तो जाएगी लेकिन डर रहता है स्क्रैच वगैरह का। तो इसलिए ये गाड़ी मैंने परचेज़ करी थी ग्लांजा, और इसको एक साल हो गया, एक साल से ज़्यादा हो चुका है, इसको हो चुका है पूरा डेढ़ साल। ये गाड़ी मैंने 2023 मार्च में ली थी और अभी नवंबर चल रहा है, तो पूरा डेढ़ साल हो चुका है। तो भाई इसकी ना मैंने थोड़ी सी केयर कम करी है, जैसे मैं अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी केयर करके रखता हूँ, लेकिन इस गाड़ी की भाई कभी केयर नहीं करी। वॉशिंग भी अगर डेढ़ दो महीने में एक बार होगी तो बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं दिलवाता ना गाड़ी को मैं। भाई अभी भी देख लो वो बिल्कुल साफ खड़ी है, और ये देखो किस कंडीशन में है। तो लेकिन साथ ही साथ भाई इस गाड़ी के ऊपर ना स्क्रैचेज इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे भी, ठीक है, और ये डेंट भी लगे हुए हैं, एक इधर डेंट है, एक इधर डेंट है, और काफ़ी स्क्रैचेज है। मतलब ये जहाँ पे मार्क करा हुआ है ना, ये अभी भाई ने मार्क कर दिया है, क्योंकि भाई ये मेरा डेंटर है। मतलब जितनी भी गाड़ियों की फिटिंग वगैरह खुलती है, कोई भी गाड़ी आती है, जैसे PPF के लिए, डिटेलिंग के लिए, सिरेमिक के लिए, एक नट बोल्ट भी खुलेगा तो अर्जुन भाई है ये खोलता है मेरी गाड़ियाँ। और अभी मैंने इसी को बोला है कि भाई इसको बिल्कुल नई जैसी बना दे, एक भी स्क्रैच नहीं चाहिए मेरे को गाड़ी पे। तो अभी इसने ना मार्क कर दिया है कि यहाँ यहाँ पे ये काम होएगा, पेंट होएगा, उधर का डेंट निकलेगा, इधर का डेंट निकलेगा, और ऐसे इधर भी है, यहाँ पे स्क्रैचेज है, डेंट नहीं है, स्क्रैच वगैरह है इधर भी। ये फेंडर देखो बिल्कुल डैमेज हो रखा है, पूरा का पूरा अंदर है। भाई मारुति की बिल्ड क्वालिटी ऐसी ही है, क्या करें, थोड़ा सा भी टच होते ही पिचक जाती है ये। तो अभी भाई स्टार्ट हो जा करना। हाँ, अभी इसमें क्या होगा, जैसे ना पूरी गाड़ी डैम्प हो रखी है, तो पहले इसके गत्ते वगैरह खुलेंगे और सारा दिखाता हूँ भाई कैसा क्या होता है, कैसे डेंटिंग वगैरह निकलती है। पीछे से ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी पे भाई भगवान की दया से टचवुड कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा है माइनर से, जैसे कि यहाँ पे इधर ये हो गए बस, इनको मैं पेंट भी नहीं कराऊंगा भाई, इतना थोड़ा बहुत निशान होना ज़रूरी है, नज़र नहीं लगती। और अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं ग्लांजा में कि इस गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा इंटीरियर कराऊंगा मैं, पूरी ब्लैक कराऊंगा। अभी ना मैंने भाई बिल्कुल स्टॉक रखी हुई है गाड़ी, भाई एक मिनट आवाज़ मत करियो, आवाज़ मत कर एक बार, भाई पूरी गाड़ी स्टॉक है, ये टॉप मॉडल है, टॉप से एक नीचे जी वेरिएंट है, कंपनी फिटेड CNG है, टोयोटा ग्लांजा, उस टाइम पे भाई मेरे को 10.5 की पड़ी थी, 10,35,000 रुपये की। और ये देखो अलॉय व्हील वगैरह पूरी गाड़ी स्टॉक है, कुछ भी नहीं करवा रखा मैंने, फोग लैंप वगैरह। लेकिन अब भाई पापा ही कह रहे हैं, और इस गाड़ी को ना 70% पापा ही चलाते हैं लोकल में, कहीं हाईवे पे जाते हैं तो भाई थार ले जाते थे, पहले स्कॉर्पियो थी तो स्कॉर्पियो ले जाते थे, अब पापा की दूसरी गाड़ी आ चुकी है वोरी, उसको मैं बहुत कम चलाऊंगा भाई। अगर मैं कहूँ ना कि एक आधी बार चला ली तो चला ली, ट्रैवल वगैरह कर लिया, लेकिन ट्रैवल भी मोस्टली अपनी पुरानी थार से ही करूँगा। अगर मैं अकेला जा रहा हूँ या गाड़ी में दो जने हैं तो भाई थार थ्री डोर बेस्ट है, अगर गाड़ी में तीन जने हैं, चार जने हैं, तो भाई 5 सीटर बेस्ट है। तो इसका बताता हूँ, इसमें अभी जैसे सीट कवर हो गया ना बिल्कुल स्टॉक है, तो अभी इस गाड़ी का मैं पूरा इंटीरियर कराऊंगा, सीट कवर हो गए, और ये देख रहे हो ये बेज कलर है ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको भी ब्लैक करा देंगे, छत को भी ब्लैक करा देंगे, पिलर वगैरह पूरी सब कुछ, इंफोटेनमेंट यही रहेगा, साथ ही साथ इसका स्टेयरिंग व्हील भी चेंज करा देंगे टॉप मॉडल वाला। बाकी इसमें भाई इंफोटेनमेंट के स्विचेज हैं, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के लगवा लेंगे, एक्टिवेट नहीं कराएंगे लेकिन लगवा लेंगे, तो अभी तक तो भाई यही है। और फ्यूचर में देखते हैं इस गाड़ी को, अबे रुक जा, इस गाड़ी को देखते हैं कि रैप करेंगे या क्या करेंगे, रैप कर दें इसको है, फिर पेंट की क्या जरूरत है, तो भाई इसीलिए एक बार पहले पेंट करा लेते हैं और उसके बाद सजेशन देना कि ग्लांजा के ऊपर कौन सा रैप किया जाए, लेकिन लीगल, ये मत बोलना कि पर्पल करा लो, वो वाइट के अंदर ही बताना कि ग्लॉस वाइट करें या सेटिन वाइट करें, कौन सा वाइट करें, लेकिन रैप जरूर करूंगा मैं इस गाड़ी को। अब हो जा भाई स्टार्ट,
तो भाई ऐसे निकलता है डेंट, ये देखो। तो भाई मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो में कि आज अपनी थ्री डोर को भी दिखाएंगे, तो भाई ये रही और कुछ इस तरीके की हो रखी है। अभी लुक चेक करो एक बार, कितनी खतरनाक लग रही है। और भाई मैंने ना इसका तरपाल हटा रखा है इसलिए और ज़्यादा सुंदर लगती है, ये देखो। और मैंने 22 इंच जो रॉक्स में लगे हुए थे वो इंस्टॉल कर दिए इसके अंदर, ये लो। पीछे से देखो भाई एक बार, ये लो, लग रही है ना भाई बढ़िया। भाई इस गाड़ी को सिर्फ ना बेचने का कारण मेरा यही है कि भाई इसकी जो लुक है ना वो रॉक्स में कभी भी नहीं आ सकती। इस गाड़ी का जो मज़ा है वो रॉक्स नहीं दे सकती। हाँ, जो रॉक्स का मज़ा है वो ये नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें आपको कम्फर्ट ज़्यादा मिलता है। और भाई मैं तो हूँ जीप लवर, तो मेरे को कम्फर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आदत हो चुकी है भाई। यूज टू हूँ मैं थार से, आज से नहीं चला रहा थार चला रहा हूँ मैं, लगभग 14 साल से थार चला रहा हूँ। मतलब जब पहले लॉन्च हुई थी ना, जो फर्स्ट जनरेशन थार थी वो भी मेरे पास थी, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कराया था उस टाइम की। अभी मेरे पास अगर कोई फ़ोटो होगी ना तो फिर किसी दिन किसी वीडियो में अटैच कर दूँगा। बाकी अभी आप लोग इसको देखो, लग रही है ना बढ़िया। और भाई जब ये गाड़ी चलती है ना भाई, मजाक से हट के माँ कसम खा रहा हूँ, लोगों के रिएक्शन ना ये देखो। उस गाड़ी में भी अभी ना लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे कि ये क्या चीज़ खड़ी है, तो बस पैसा वसूल हो जाता है भाई ऐसे। और भाई अभी ना इसका जो फेंडर जो मैं बोल रहा था ये आया नहीं है, शायद कल तक आ जाएगा अपने पास, और उसके बाद चारों फेंडर चेंज कर देंगे। ये देखो